हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में 2022 में पॉलिटी के सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसएससी सीजीएल 2022 पीवाईक्यूज विद एक्सप्लेनेशन ऑल शिफ्ट क्वेश्चन। आप इस पूरे टॉपिक को एक और नाम दे सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि एसएससी लगातार अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। मतलब ये जो सीजीएल के क्वेश्चन है, ये आपको वापस से सीजीएल में, या फिर इनको सीपीओ में, या फिर आप इसको सीएचएसएल, जेई या आप एमटीएस के पेपर में इन क्वेश्चंस को वापस से देख पाओगे, जो अभी ट्रेंड चल रहा है या जो मैंने अभी रिसेंटली क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है और आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आप भी पाएंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और टाइटल सजेस्ट किया है, विच इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है, ये है आपका सेकेंड पार्ट। इसके पहले फर्स्ट पार्ट जिसमें 2023 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लेलिस्ट सेपरेटली बना दी गई है। और अभी तक मैंने ना आपको साइंस में 2022-23 में सीजीएल में आए हुए सभी क्वेश्चंस करा दिए, हिस्ट्री में आए हुए सभी क्वेश्चंस करा दिए, एंड ये सेकेंड क्वेश्चन या सेकेंड आपका वीडियो है जिसमें हम पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी फिनिश होने के बाद हम ज्योग्राफी को डिस्कस कर लेंगे, स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपके लगभग दो साल के, तो 2022 और 23 के सीजीएल के सभी क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के आपके रेडी हो जाएंगे। तो आप देखेंगे आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। नॉलेज कैसा मिलेगा? यही नॉलेज मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, लेवल क्या है और कौन से वो टॉपिक हैं जो आपको टारगेट करने हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। डन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अबाउट द पीडीएफ। सो पीडीएफ के लिए देखो भाई, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। कोशिश कीजिए आंसर करने की, बाकी मैं तो हूं, आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एंटर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटी इनिशियली हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थी, मतलब बाद में कभी हमने इनको एड ऑन किया है। पूछा जा रहा है कब किया भाई? तो देखिएगा, हमारे देश में एक इंदिरा गांधी जी के समय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद एक हमारे देश में संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इतने अधिक मात्रा में संशोधन कर दिए गए थे। कौन सा है वो? 1976, 42 नंबर का संविधान संशोधन, 42वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल एंड एक नया चैप्टर एड ऑन किया था। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4A एंड आर्टिकल नंबर 51A को जोड़ा, जिसमें हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने का काम किया था। लेकिन 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 आज अगर देखते हैं तो हमारे देश में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब एक ड्यूटी को बाद में कभी तो भी ऐड किया है। बिल्कुल सही बात है, जो 11वें नंबर की ड्यूटी है इसको हमने फिर से अपने संविधान में संशोधन किया था। 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था, कब? 2002 में। और उसके बाद हमने यहां पर 11वें नंबर की ड्यूटी को जोड़ने का काम किया है। डन। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें लिखा है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने देश की सोविनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, अखंडता, एकता को सहज के रखना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें अपने हेरिटेज और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, इन सब का सम्मान करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है वो ये है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके जो भी लीगल गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि बच्चों को भाई आप स्कूल भेजो। डन। तो इस तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है,
who can suspend the right to move to any court for the enforcement of the fundamental right during the national emergency in India? Question simple सा है कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगता है, national emergency लगती है, तो उस समय हमारे कुछ fundamental right suspend कर दिए जाते हैं। तो ये suspend करने का right किसके पास है? कौन हमारे मौलिक अधिकारों को suspend कर सकता है during the national emergency? आप सब भी पता है कि हमारे देश में तीन प्रकार के emergency के clauses आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? एक आर्टिकल 352 में मिल जाएगी, एक आर्टिकल 356 में और एक आर्टिकल 360 में। तो तीन इमरजेंसी हमको देखने को मिलती है। 352 की जो इमरजेंसी है, इसे हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आपात के नाम से जानते हैं। 356 जो है ये आपका प्रेसिडेंट रूल, या जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, राज्यों में जब मशीनरी प्रॉपर काम ना करे, राज्यों में जब जो विधानसभाएं हैं अपना बहुमत खो दे, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक हमारे देश में नहीं लागू की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, कभी लागू होनी भी नहीं चाहिए। तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होते हैं कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब आर्टिकल 352 जब इम्पोज किया गया है हमारे देश में, तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 359, दिस आर्टिकल डील विद द सस्पेंडिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। कौन सी क्राइसिस? आप देख सकते हैं वॉर का समय है, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। और ये अधिकार संविधान ने राष्ट्रपति को देकर रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 साल के क्वेश्चन उठाएंगे, किसी भी पेपर के उठा लीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ SSC के उठाइए, रेलवे उठा लो, रेलवे का मन नहीं, NDA का पेपर उठा लो, इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहां पर इस चैप्टर नंबर 18 को तैयार करना है, जहां पर इमरजेंसी प्रोविजंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक के सारे क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी कंडीशन है, कब आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 358 को देखिए, आर्टिकल 358 कहता है सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। कब? आर्टिकल 358 के अंदर, जब इमरजेंसी लगी हो, जब क्राइसिस हो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, PDF में मिल जाएगा। तो एक बार, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं दे सकते, पेपर बिल्कुल सर पे है, जून में पेपर है CPO का। तो भाई एक काम करो, ये तो याद कर सकते हो ना, एक एक लाइन क्या लिखा हुआ है, इससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है, वन लाइनर में आपका काम हो जाएगा, आप इसे थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट और चेंज इट्स नेम। आप देखते हैं लगातार राज्यों का नाम चेंज हो जाता है, रेलवे स्टेशन के नाम चेंज हो जाते हैं, एयरपोर्ट के नाम चेंज हो जाते हैं, तो भाई ये चेंज कैसे होते हैं? ठीक है, कौन इनको चेंज करने की पावर रखता है? तो आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। अगर हम हमारे संविधान का पार्ट नंबर 1, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक की इंफॉर्मेशन है, वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास राइट है। पार्लियामेंट के पास ही केवल पावर होती है जो हमारे देश में किसी राज्य का नाम चेंज कर सकता है, किसी राज्य की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, बाउंड्री को इंक्रीज कर सकता है, बाउंड्री को डिक्रीज कर सकता है। ये सभी राइट्स पार्लियामेंट के पास आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेंशन है, विच इज आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इन टू द यूनियन और establish new state on such term and condition as it think fit. And article 3 क्या कहता है? यहाँ पर बोला है कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो क्या क्या काम कर सकती है, किस तरीके से दो राज्यों को मर्ज कर सकती है, दो राज्यों को सेपरेट कर सकती है, एरिया इंक्रीज कर सकती है, एरिया डिक्रीज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, नेम चेंज कर सकती है, ये सब बातें आर्टिकल 3 में मेंशन है। और ये जो आर्टिकल है ये तो हमेशा चर्चा में रहता है, एवरी ईयर कोई ना कोई नामकरण होता ही है, ठीक है, तो इसलिए आप आर्टिकल 3 को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन, मतलब किस आर्टिकल के जरिए हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, और समय समय पे आर्टिकल में अमेंडमेंट होते रहते हैं, आपको भी पता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 368।
ये कॉन्सेप्ट जो कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट हमने साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से बेसिकली लेकर रखा है। आर्टिकल 368 इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर, एक पार्ट है, कौन सा है, 20। इसमें आपको आर्टिकल 368 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम अपने संविधान में जरूरत पड़ने पे संशोधन कर सकते हैं। जब संविधान में संशोधन करने की बात आती है तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने कभी केशवानंद भारती केस के बारे में ना सुना हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। केशवानंद भारती जो केस है वो हमारे संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है, और जिसको 1973 में इस केस को, मतलब ये केस कब से रिलेटेड है, 1973 से है। इस पे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसके बारे में बात की गई है कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं है, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसका व्याख्या करता रहता है। डन, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो तीन प्रकार से किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जीएसटी वाला मामला था, जब जीएसटी हमारे देश में लाया गया तो उस कंडीशन में स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट का परमिशन लिया गया था कि 50 से ज्यादा राज्यों की, 50% से ज्यादा स्टेट्स की अप्रूवल लगेगी। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि प्रेजेंट एंड वोट देने वाले 2/3 होने चाहिए। आपका स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, और 50% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। तो ये आपका स्पेशल केस होता है, और इस केस में आपने जीएसटी बिल को देखा था। ठीक है, तो इस तरीके से तीन प्रकार से हमारे देश में संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। डन, ओके, नेक्स्ट। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, बहुत कम समय है अगर पेपर के लिए और समझ में नहीं आ रहा है पॉलिटी में क्या पढ़े क्या छोड़े, या ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पॉलिटी में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, आप पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं। ये चैप्टर तो पढ़ के जाना ही है, जाना बनता ही है। इतने क्वेश्चन भर भर के हर बार एग्जाम में आते हैं फंडामेंटल राइट से, हर एक पेपर में, चाहे आप यूपीएससी लिख रहे हो, स्टेट एग्जाम दे रहे हो, या फिर नॉर्मल वन डे एग्जाम। फंडामेंटल राइट छोड़ के नहीं जाना है किसी भी कंडीशन में। अगर बिल्कुल एग्जाम में बैठने में 5 मिनट भी बचा हुआ है ना, कि क्लासरूम में एंटर करना है, तो भी मैं आपको कहूंगी एक बार फंडामेंटल राइट देख के जाओ। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट हमें चैप्टर नंबर 3 में मेंशन मिल जाएंगे, मतलब पार्ट नंबर 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोल सकते हैं। फंडामेंटल राइट इनिशियली 7 थे, फिर बाद में आप देखेंगे हमने जो राइट टू प्रॉपर्टी था, हमारा संपत्ति रखने का अधिकार, उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। कब किया, जब 44वें नंबर का, 44 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी। और आज के समय पर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, जबकि राइट टू प्रॉपर्टी आपका लीगल राइट है अंडर द आर्टिकल 300A। जब हमारे संविधान की रचना की गई थी तो आपको यहाँ पर 12 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। इनिशियली 8 थे, बाद में 4 और जोड़े, और आज के समय में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब ये 12 अनुसूचियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आइए हम छोटी सी ट्रिक से बेसिकली इन अनुसूचियों को याद करें। अब सबसे पहले तो समझने वाली बात ये होती है कि ये शेड्यूल है क्यों बना दिया गया जबरदस्ती। तो देखो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 1 है, पहले नंबर के आर्टिकल में कहा है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ इंडिया की बात की गई है। अब कौन कौन से राज्य हैं हमारी कंट्री में, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक बात नहीं लिखी जा सकती। ऑलरेडी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इतनी सारी चीजें और ऐड कर दोगे तो भाई बुक और मोटी हो जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, अलग से शेड्यूल बना देते हैं। आपको इसकी ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप इस शेड्यूल में चले जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से अनुसूचियां बनाई गई हैं, टोटल 12 आपको देखने को मिलेंगी। अब इन 12 को याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है, एक ट्रिक है,
टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब देखो हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं, कोई जीत सकता है कोई हार सकता है, और जो हारेगा, फॉर एग्जांपल अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अगर हार गई तो ओल्ड पीएम हो जाएंगे वो, या जो हमारे फॉर्मर पीएम्स रहे हैं, तो टीयर्स है भाई उनके आंखों में, आंसू हैं, डर है इलेक्शन ना हार जाए। सो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इससे आप पूरे की पूरी 12 अनुसूचियों को याद रख सकते हो। मैं एक बार बता देती हूँ क्या है ये। टी से मतलब भारत में जो भी स्टेट्स हैं या भारत में जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी लिस्ट आपको पहली नंबर अनुसूची में मिलती है। अब आप लोगों ने राज्यों का फॉर्मेशन तो कर दिया, अब राज्य को गवर्न करने के लिए आपको कुछ अधिकारी लगेंगे, प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई सारे लोगों की जरूरत होती है स्टेट को या कंट्री को रन करने के लिए। और अगर आप इनको अपॉइंट करोगे तो सैलरी तो भाई देनी पड़ेगी, बिना सैलरी के काम नहीं होता, राइट। तो यहां पर सेकेंड नंबर में आपको इन सभी बड़ी ऑफिसर्स की, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट हो गए हमारे, लोकसभा के स्पीकर हो गए, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी क्या सैलरी होगी वो बात आपको देखने को मिलेगी हमारे सेकेंड नंबर के अनुसूची में। अब सैलरी तो दे दी भाई, हम आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपको ओथ तो करनी पड़ेगी, आपको शपथ तो लेनी होगी कि भारत के लिए काम करोगे। ठीक है भाई, सैलरी दे दी, अब हम ओथ कर लेंगे, हम शपथ ले लेंगे। तो थर्ड नंबर में इनके ओथ के बारे में, इनकी शपथ के बारे में मेंशन है। फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे हर एक स्टेट में नंबर ऑफ राज्यसभा सीट अलग अलग होती है, डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन पे। जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां की राज्यसभा सीट्स भी ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ राज्यसभा सीट का जो अलोकेशन है वो आपको अनुसूची नंबर 4 में देखने को मिल जाता है। डन। नेक्स्ट है 5वें नंबर की अनुसूची में, शेड्यूल एरिया डिफाइन है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप रहते हों, वहाँ के अपने कुछ लॉज हों, कुछ कस्टम्स हों, तो ऐसे कुछ एरियाज को शेड्यूल एरिया की लिस्ट में डिफाइन किया है, जो कि 5वें नंबर की अनुसूची में है। अब अगला अनुसूची आती है अदर ट्राइबल एरिया। कुछ ऐसे और ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पर, जैसे कि आसाम, मिजोरम, मेघालय, तो जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनके लॉ को कोई डिस्टर्ब ना करे, वहाँ उनके फॉरेस्ट के राइट्स को कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर आता है आपको 7वें नंबर की अनुसूची। तो 7वें नंबर की अनुसूची में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलती है कि हमारे बीच, हमारे देश में जो शक्तियों का बंटवारा होगा, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसे होगा। तो 3 लिस्ट बना दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट को होगा। स्टेट लिस्ट, इसमें जो भी सब्जेक्ट है इस पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल नंबर 8। हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या शेड्यूल नंबर 8 में 22 भाषाएं आपको डिफाइन मिल जाएंगी। फिर आता है एल। एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म, जो कि नाइन्थ नंबर की अनुसूची है। लैंड रिफॉर्म 1951 में ये हमारे देश में जोड़ा गया है। अगली बात आती है डी। डी का मतलब है डिफेक्शन, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ आपको 10वीं अनुसूची में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पी मतलब होता है आपका पंचायत, ये आपकी 11वीं अनुसूची है। और अभी हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी सेलिब्रेट कर लिया है। और एम का मतलब होता है आपकी नगर पालिका, नगर निगम, मतलब म्युनिसिपैलिटीज। तो ये 12वें नंबर की अनुसूची है। तो आप ऐसा कुछ भी थोड़ा सा लिंक करते हुए पढ़िए, लेकिन आपको ये 12 अनुसूची पता होनी चाहिए हमारे संविधान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड ब्लैंक परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ द स्टेट। हमारी जो विधानसभा होती है तो उसमें मिनिस्टर्स कितने से ज्यादा नहीं हो सकते। तो टोटल जितने भी सीट्स हैं उसका 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा आपके मिनिस्टर्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है सबको लालच दिया, तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, यहाँ से इलेक्शन लड़ लो, तुम जीत जाओगे, तुमको मिनिस्टर बना देंगे, तुमको भी बना देंगे। ऐसा नहीं, 15% से ज्यादा आप यहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, तो मैक्सिमम सीट हमारी जो लेजिस्लेटर होती है, मतलब विधानसभाएं होती हैं, उसमें मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है, 500 और मिनिमम 60। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर नंबर ऑफ सीट्स आपको कम मिलेंगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। विच माइनॉरिटीज आर मेंशन इन द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कौन सी माइनॉरिटी मेंशन है आर्टिकल 30 में? तो हमारे देश में 6 प्रकार की आप देखेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं, और आर्टिकल 30 में आपको जो हमारा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आपको माइनॉरिटीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, डन इतनी चीजें। तो आर्टिकल 31 क्या, आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? माइनॉरिटीज जो है उनको फ्रीडम है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रन कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना कि अलग अलग जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है, उनके अपने अलग से रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहाँ पे उनकी कल्चरल वैल्यू को सिखाया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं। तो ये फ्रीडम दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 30 में। फिलहाल हमारे देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन। और जैन को 2014 में, मतलब मुझे 2014 में माइनॉरिटी में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी? इंडियन जुडिशरी कैसी है, हमारी न्यायपालिका कैसी है? तो फॉर एग्जाम्पल आपको केस करना है, तो कोई भी केस करना है, कोई क्रिमिनल मामला है या आपका सिविल मामला है, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? अपना जिला न्यायालय में जाओगे। जिला न्यायालय से आपको कोई राहत नहीं मिलती तो आप हाईकोर्ट जाओगे। हाईकोर्ट के बाद आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो हमारे देश में 3 tier आपको जुडिशरी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है हमारी कंट्री का, और इसके पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन होता है। ओरिजिनल मतलब कोई भी केस ये खुद भी सुन सकता है। एपिलेट का मतलब है, एपिलेट का मतलब कि हाई कोर्ट का कोई मामला है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं, इस मामले को मुझे सुनना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है या फंडामेंटल राइट का कोई मामला है, तो वो अपने पास हाई कोर्ट से बोलेगा तुम रुक जाओ भाई, ये मामला मेरे पास आने दो, मैं सुन लूंगा। और एडवाइजरी मतलब ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि किसी भी मैटर पे वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति माने या ना माने वो राष्ट्रपति की मर्जी है, लेकिन हम तो अपना सजेशन देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले सजेशन दिया कि भाई प्लेलिस्ट देख लो, फिर आपको एक और सजेशन देती हूँ कि अभी आप लोगों का CPO या दूसरा जो भी एग्जाम है तो एवरी मंथ के टॉप 100 MCQ करंट अफेयर्स के कर लो। मैंने नवंबर के, दिसंबर के और अप्रैल के कर दिए हैं अपलोड, और आज जनवरी के भी अपलोड कर दूंगी। तो ये मेरा सजेशन है बेसिकली, मानना ना मानना आपके ऊपर है, तो वैसा ही है, ये एडवाइजरी नेचर है। ठीक है, इन्होंने तो अपना आर्टिकल बनाया है आर्टिकल 143, बट आर्टिकल 143 तो मेरे पास नहीं, बस मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, चलो, ये हमारा जुडिशरी सिस्टम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मीन्स अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट? अब यहाँ पे हमारे देश में वो कौन सा ऐसी रिट है, कौन सा ऐसा अधिकार होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया है तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस बेसिकली अरेस्टेड जो पर्सन है, जिसको आपने अरेस्ट किया है, आप उसके सामने, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करोगे और कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगी कि आपने जो भी काम किया है वो लॉफुल है या लॉफुल नहीं है, आपको अरेस्ट करना चाहिए या नहीं, कितने साल की सजा होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब डिसाइड किया जाएगा, लेकिन पहले आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ ब्लैंक। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन से बेसिस पे हटा सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो मेंटली इल है या फिर उतना कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, कोई बीमारी हो गई है तो वो काम नहीं कर पा रहा है, या फिर मिसबिहेव किया है, तो ऐसे मिसबिहेव को लेकर प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने मुझे गाली दे दी, लो मिसबिहेव हो गया, पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप यहाँ पे जज को हटा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अब इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो काफी टफ होती है, आप इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा नहीं सकते। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो या तो आप लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हो या तो आप राज्यसभा से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप लोकसभा में बिल लेकर आते हो कि ये फलाना फलाना जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसको हटाने का है, तो इसके लिए आपको
अगर आप राज्यसभा में लाते हो तो 50 लोगों की परमिशन चाहिए उस बिल को प्रस्तुत करने के लिए। अभी पास नहीं हुआ, बिल को केवल प्रस्तुत करने के लिए राज्यसभा में 50 लोगों की परमिशन चाहिए। वैसे ही अगर आपको लोकसभा में बिल को प्रेजेंट करना है तो केवल आपको 100 लोगों की यहाँ पे नीड चाहिए है। तो अगर आपके पास राज्यसभा में 50 लोग हैं, लोकसभा में आपके पास अगर 100 लोग हैं, तो आप इस बिल को एटलीस्ट प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंट किसको करोगे? राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन के पास, लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के पास। अगर उनको लगता है कि आपने जो बिल प्रेजेंट किया है वो ठीक है, ओके, वाकई में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऐसा कोई काम किया है, तो अगर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन ने बिल को अप्रूवल दिया तो कहानी आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। अगर कहानी आगे बढ़ जाती है तो उसके बाद क्या? उसके बाद एक 3 जजेस की कमेटी बनाई जाएगी, जो कि आपके हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हो, हाई कोर्ट के कोई जज हो, रिटायर्ड जस्टिस हो। तो इस तरीके से 3 जजेस की एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी एक्चुअली क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आपने जो एलिगेशन पर्टिकुलर जज पे लगाए हैं वो सही है क्या नहीं है। अगर सही प्रूफ हो जाते तो कहानी आगे बढ़ेगी, अगर सही प्रूफ नहीं हो पाते तो कहानी अगेन वहां पर स्टॉप हो गई। मान लेते हैं सही प्रूफ हो गई, अब सही प्रूफ हो गई तो उसके बाद इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा से पास किया जाएगा। अगर बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति ने अगर सिग्नेचर कर दिए हैं तो हम जज को हटा देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं इतना आसान नहीं होता है जज को हटाना। यहाँ पे जो प्रक्रिया मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई है वो प्रक्रिया आपको यहाँ पे मेंशन है, आप बिल्कुल इसे पढ़ सकते हैं कि कैसे हम हटाएंगे। अच्छा, यहाँ आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, 124 नंबर का अनुच्छेद जिसका सब क्लॉज 4 है, जहां पर आपको देखने को मिल जाएगा किस तरीके से हम सीजेआई को हटा सकते हैं। ठीक है, Which of the following is not mentioned in the Indian Constitution as a fundamental duty? इनमें से कौन सी fundamental duty नहीं है? Actually मुझे लगता है fundamental duty तो नहीं है, लेकिन सबको ऐसा करना ही चाहिए अपने बड़ों की respect। ठीक है, तो option 1 is the right answer। Done। बाकी fundamental duty कब आए, कैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैंने already आपको बता दिया है। Which of the following commission recommended that the appointment of governor should be non-partial? यहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए जब आप राज्य के गवर्नर को अपॉइंट करते हो। ये किसने कहा था, किस कमीशन ने कहा था? तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है सरकारिया कमीशन। इन्होंने कहा था कि भाई गवर्नर, हर राज्य का एक गवर्नर होता है, 5 सालों के लिए चुना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 35 साल है, ठीक है 35 साल है, इसके अलावा भारतीय नागरिक है, दिवालिया नहीं है, पागल नहीं है, बैंककरप्ट नहीं है, पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई मतलब नहीं, तो हाँ आप गवर्नर बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल 153 में आपको बोला है कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो राज्य का गवर्नर होगा, लेकिन राज्य के गवर्नर को अपॉइंट करते समय कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड दैट सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने वर्डिक्ट होते हैं, अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है तो वो हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना अभी कोई प्रेजेंट जज कोई वर्डिक्ट देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वर्डिक्ट होते हैं उनको एक रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि अगर सेम मामला आता है तो आप इसकी स्टडी करके सेम मामले की सुनवाई कर सकते हो। तो हमें अपने उस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है, उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी हम एग्जिस्टिंग जुडिशरी की करते हैं या अपने कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं। अगर आपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को अवहेलना की है तो इसके ऊपर भी आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात आर्टिकल नंबर 129 में मेंशन है, आर्टिकल 129। हाउ मेनी राइट्स आर मेंशन अंडर द राइट टू इक्वलिटी, जो हमारा समानता का अधिकार है उसके अंदर कितने प्रकार के अधिकार शामिल हैं, मतलब समानता किस किस सेक्टर में आपको समानता की बात की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में आपको मेंशन मिल जाएगा। इसमें लिखा है हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ रेस, रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट या बर्थ प्लेस के अकॉर्डिंगली कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, छुआछूत या अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी। आर्टिकल नंबर 14 जो है वो गारंटी देता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो लॉ के सामने समान होगा। तो 5 प्रकार के अधिकार आपको मिलते हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 हमारे समानता के अधिकार के अंदर आते हैं, 14 to 18। ठीक है, आपको ये लिस्ट भी दिख जा रही है,
तो इसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 के बीच में है, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22 के बीच में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उनमें से, इनमें से कौन सा शब्द मेंशन नहीं है? आंसर हो जाएगा फेडरलिज्म। ये जो शब्द है चौथे नंबर का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बाकी सारे शब्द हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। प्रीएम्बल की बात करते हैं तो प्रीएम्बल या प्रस्तावना, सबसे पहले उद्देशिका प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया गया था बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 22 जनवरी 1947, और यही आपको मतलब प्रस्तावना इसमें एड ऑन की गई है। कीवर्ड क्या है प्रीएम्बल के, तो कई सारे कीवर्ड है, जैसे कि सोवरियन, सोवरियन का यह मतलब होता है कि भाई हम इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक्सटर्नल पावर, जैसे कि कल रशिया कहने लगे, चाइना कहने लगे कि भारत को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो सुनो भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने देश के लिए कानून खुद बनाने के लिए कैपेबल है, हम, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम सबसे ऊपर है, ठीक है। द टर्म मीन्स दैट इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर। In the country, the legislation has the power to make law that are subject to the certain limitation. Socialist, socialist का मतलब है कि हमारी जो democracy है उसमें socialist term भी होता है, जिसका ये मतलब होता है कि हमारी जो economy है वो both private and public sector coexist करके बनेगी, और इसको प्रीएम्बल में 42nd नंबर के अमेंडमेंट से 1976 में जोड़ा गया था, समाजवादी विचारधारा आप कह सकते हैं। सेकुलर, सेकुलर का मतलब एक तरीके से धर्म निरपेक्ष, कि हमारे राष्ट्र का, इंडिया का कोई धर्म नहीं, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है बोलते हैं हम, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कि हिंदू कंट्री है या मुस्लिम कंट्री है, भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, ठीक है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस इन द सिक्योरिटी, मतलब हमारे देश का में एक आर्टिकल है जो कहता है कि राज्य कोशिश करेंगे, कैसी कोशिश करेंगे, राज्य कोशिश करेंगे कि राज्यों के बीच में भी कोई डिस्प्यूट ना हो और जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशंस हैं वो भी मजबूत रहे, और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम इसको अपने तरीके से एक आर्बिट्रेशन के जरिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऐसा राज्यों को कोशिश करनी है, राज्यों का ऐसा प्रयास करना है, ये बात हमारे DPSP में मेंशन है, राज्यों का नीति निर्देशक तत्व, और ये बात आपको आर्टिकल 51 में देखने को मिल जाएगी, आर्टिकल 51 जो कि हमारे DPSP से रिलेटेड है। At present, how many state have fifth schedule area? कितने राज्य हैं जो कि fifth schedule में शामिल हैं? तो total है 10, 10, 5 का दुगना 10। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। Fundamental duties are contained within which article of the constitution of India? यार ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है ना कि मैं भी इसको पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ। आर्टिकल 51 ए को बिल्कुल सही लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु रन द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे देश में गवर्नमेंट को कौन रन करता है? तो हम सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा आर्टिकल 53-52 कहता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पास जो पावर होती है वो केवल नॉमिनल पावर होती है, नाम मात्र की शक्ति, क्योंकि वो अपने विवेक से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। राष्ट्रपति को निर्णय लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन नॉमिनल पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। If the state government dissolves the Panchayati Raj Institute before the end of their 5-year term, fresh election should ordinarily be held within. अगर स्टेट गवर्नमेंट है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट को डिसॉल्व कर देता है और उनका 5 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको कितने महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे? तो 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको फ्रेश इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ठीक है। हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है,
इसकी जो अवधारणा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो महात्मा गांधी जी अपने मन में लेकर आए थे कि हाँ हमारे जो सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, इनिशियल रूट लेवल से लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। तो ये बातें आर्टिकल 40 में मेंशन है। और उसके बाद हमारे देश में संविधान संशोधन भी किया गया और कई सारी कमेटियों का भी फॉर्मेशन किया गया पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही हमारे देश में तीन टीयर की आपको पंचायती सिस्टम देखने को मिल जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति एंड जिला पंचायत। और पहले जो पंचायत सिस्टम है, इसको 1959 में राजस्थान में इंट्रोड्यूस किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब यहाँ पे आयुष्मान खुराना की एक मूवी मुझे याद आती है, उन्होंने कुछ समय पहले एक मूवी की थी और ये इसी आर्टिकल पे बेस्ड थी कि कोई भी राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका से नहीं, राज्य को मतलब यहाँ पे भारत से ही बात होती है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी उसके कास्ट, उसके जन्म स्थान, उसके सेक्स के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये बात आर्टिकल 15 में मेंशन है। सो नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है हमने कॉन्सेप्ट? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमारे देश में 246 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें पावर के सेपरेशन की बात की है, किस तरीके से हम सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में पावर का या शक्तियों का बंटवारा कर सकते हैं। और आपको तीन लिस्ट मिलेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। डन, इतनी चीज़ें डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वन सेकेंड। हाँ, तो ये जो मेजर फीचर्स हैं जो हमने यूके से या ब्रिटेन से बोरो किए हैं, क्योंकि जब हमारा संविधान रेडी हो रहा था तो लगभग 60 अलग अलग देशों के संविधान की स्टडी हमने की थी और अलग अलग बातें जो भी हमें जहां से अच्छा लगा वो हमने पिक कर लिया। तो यहाँ पर आपको जो रिट का अधिकार होता है, आप देखेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में रिट देने का अधिकार है। जो हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, ऑफिस ऑफ द कॉम्पटोर ऑडिटर जनरल, मतलब हम कैक की बात करते हैं, कानून का नियम है, कानून का रूल होगा, ये बात हम करते हैं, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी बातें हमने यूके से बोरो की हैं। वहीं अगर हम यूएसए से बात करते हैं तो हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना कैसी होती है, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है और फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी बातें हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करने का काम किया है। नेक्स्ट है, द 73rd अमेंडमेंट डील विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे देश में जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ है उसका रिलेशन किससे है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन माना जाता है, 73वें नंबर का संविधान संशोधन हमारे पंचायतों से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पंचायती राज सिस्टम। और अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे देश में 3 tier का पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है और पार्ट नंबर 9 है और इसके अंदर आपको 29 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिन पे पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इसके अलावा एक छोटी सी लिस्ट भी मैंने दी है, ये सारी वो कमिटीज है जो कि पंचायतों के फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। पहले स्टेट ऑफ सिक्किम जो था, सिक्किम जो राज्य है वो भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग से किंगडम हुआ करता था। और जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी 1975 में, तो सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया, पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया और आज के देश में सिक्किम हमारे देश का एक राज्य है। लेकिन इसके अपने स्टिल कुछ अलग कस्टम है, अलग लॉ है, बिकॉज वहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती हैं। तो सिक्किम को कुछ अलग प्रोविजन हमने देके रखे हैं आर्टिकल 371F में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद, तो हमारे संविधान का जो 20वें नंबर का अनुच्छेद है वो क्या बताता है? तो यहाँ पे बोला है, कोई भी व्यक्ति है, अगर आपने उसको अरेस्ट किया है, उसने कोई क्राइम किया था, चोरी की है, किसी का मर्डर किया है, कुछ भी किया है, तो उस व्यक्ति के भी अपने कुछ राइट्स होते हैं, उसके राइट को भी प्रोटेक्ट किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 20 में। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कैसे कैसे कन्विक्शन को, ऑफेंस को, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है, देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि उसने कोई केस है, उसके ऊपर कोई मर्डर ही किया है उसने, तो एक ही
एक ही क्राइम करने के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, पहली कंडीशन ये है। दूसरी बात है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने 2004 में मर्डर किया था और 2004 के समय हमारे देश में कानून था कि कोई व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है तो उसको 10 साल की सजा देंगे, लेकिन 2014 में हमने क्या किया या 2010 में ही हमने क्या किया, उस कानून में बदलाव कर दिए और लिख दिया कि कोई व्यक्ति अगर मर्डर करता है तो उसको 15 साल की सजा है। लेकिन जब व्यक्ति ने क्राइम किया था 2004 में तब तो कानून अलग था, आपने बाद में कानून को चेंज किया है इसलिए उस व्यक्ति को सजा में कोई अंतर नहीं आएगा, ये भी उसके राइट होते हैं। क्लियर इतनी चीजें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लाइंट टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई भी व्यक्ति की जो गवाही है वो खुद के खिलाफ नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति उसने मर्डर मान लेते हैं किया ही है, 100% उसी ने मर्डर किया, हमको भी पता है, प्रूफ भी है, लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है तो हो सकता है वो किसी प्रेशर में बोल रहा हो, इसलिए खुद की गवाही मान्य नहीं होती। ऐसे ही कुछ यहाँ पर आपको कानून देखने को मिलते हैं आर्टिकल 20 में। Who is the ex officio chairman of the Niti Aayog? तो हमारा जो देश में प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not correct about the eligibility criteria for being elected as a vice president of the India? तो अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे जरूरी नहीं है? तो बिल्कुल भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ये बात भी सही है। ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। एंड ही एंड शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। Which freedom is considered as the hallmark of democracy? Hallmark of democracy किसे कहते हैं? कौन से freedom को कहते हैं? तो hallmark है freedom of religion, मतलब सभी लोगों को अपना धर्म मानने का अधिकार है। ये बात हमारे गारंटी की गई है आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में, और इसे ही हम hallmark of democracy के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे देश में देखो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताए थे, इनको आपको याद करना है, यही लिस्ट है, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक। इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पीडीएफ तो टेलीग्राम से मिली जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को कंट्रोल करता है, या बिल्कुल ये सही बात है। इट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, हाँ अपने फैसलों को वापस से रिवाइज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का होता है, हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इट हैज अ रिट जुडिक्शन, बिल्कुल जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में रिट जारी करने का अधिकार होता है, वैसे इनके पास भी आर्टिकल नंबर 226 में रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी सारा मामला ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउ इट टू बी सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड अमंग्स स्टेट, यहाँ पर कोई भी अगर विवाद चल रहा है दो राज्यों के बीच में या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उन विवादों को सॉल्व कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के किस ज्यूरिडिक्शन में आता है, एपिलेट, एडवाइजरी, रिट या ओरिजिनल? तो आंसर है ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ठीक है, क्योंकि कोई मामला है आप खुद उसकी सुनवाई कर सकते हो, जैसे कि तमिलनाडु या कर्नाटका का जो विवाद है कावेरी नदी का, आप खुद सुनवाई कर लो, अगर हाई कोर्ट नहीं कर रहा तो आप खुद से अपनी मर्जी से सुनवाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन 4। व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट संग एंड वेयर, पहली बार नेशनल एंथम को कहां पर गाया गया? तो यहां पर देखेंगे जब 1911 में कैलकाटा में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर को, तो पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया था, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Which article of Indian Constitution is related with the qualification for appointment of governor? तो यहाँ पे गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी ना किसी आर्टिकल में तो डिफाइन होगा, वो आर्टिकल कौन सा है? तो देखो 143 तो नहीं हो सकता, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है, खत्म। 157 नंबर का अगर आप आर्टिकल देखोगे तो उसमें आपको मेंशन मिल जाएगा क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर। तो पहले तो हर राज्य का अपना एक गवर्नर होगा। 154 नंबर का आर्टिकल कहता है कि जो गवर्नर होता है वो राज्य का एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास होती है।
155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बात की गई है, 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर कितने समय तक गवर्नर रहेगा, 157 में क्वालिफिकेशन बोली गई है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 158 में कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस बोला गया है, 159 में इसके ओथ के बारे में बात की गई है। तो ये कुछ आर्टिकल हैं गवर्नर से रिलेटेड, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 32-35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आर्टिकल 32-35 में क्या मेंशन है, देखो आप वापस 2022 में ही कितने सारे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से लगातार पूछे गए हैं, यहाँ टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है, और 5 प्रकार की रिट को भी जारी वो कर सकता है। Who is the considered as the linchpin of the government? ये linchpin एक तरीके से एक mediator कह सकते हो, जो कि president और parliament के बीच में एक तरीके से mediator हो, तो वो कौन होता है? Prime minister होता है। Prime minister act as a link between the council of minister on the one hand and president as well as a parliament on the other hand, ठीक है? नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज कहाँ से बोरो की है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पे पहली बात की है स्पीकर, लोकसभा में एक स्पीकर होगा, ये बात हमने कहाँ से ली है, तो सही बात है, ये बात तो हमने ब्रिटेन से ही उठाई है। रेसिड्यू पावर, हमारी जो सॉरी अवशिष्ट सूची होती है, पहले जो कॉन्क्रीट लिस्ट थी वो समवर्ती सूची होती है, ये रेसिड्यू जो पावर है, ये जो हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये हमने कनाडा से उठाई है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्क्रेंट लिस्ट जो कि हमारी समवर्ती सूची का पार्ट है, तो कॉन्क्रेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई है, ना कि जर्मनी से। जर्मनी से तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के क्लॉजेज हमको देखने को मिलते हैं, एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन आयरलैंड से है। तो यहाँ पे पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगेन आपको ये थोड़ा सा मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो कि ब्रिटेन, आयरलैंड एंड कनाडा से हमने क्या बातें उठाई हैं। जैसे कि कनाडा से रेसिड्यू पावर उठाई है, आयरलैंड से हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड क्या होगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, डीपीएस की आयरलैंड से लिए हैं। ब्रिटेन से हमने क्या उठाया है इंपॉर्टेंट, हाँ ये स्पीकर, स्पीकर रिट, सिंगल आपका सिटीजनशिप, ये सारी बातें ब्रिटेन से उठाई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हाँ है, नागा पीपल्स फ्रंट है, लेकिन ये जो भारतीय किसान यूनियन है कोई ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जबकि किसानों के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1978 में किया गया था। किसने? दत्तोपंत तेनगड़ी ने किया था, और इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी वो कोटा राजस्थान में हुई थी। Which article of the Constitution of India lays down the maximum strength of the Raj Sabha as 250? किस संविधान के संशोधन या सॉरी किस संविधान के आर्टिकल में मेंशन है कि राज्यसभा में मैक्सिमम जो सीट होंगी वो 250 होंगी? तो आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 250 सीट होती है जिनमें से 12 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। From which of the following country did India borrow the parliamentary system of the government? तो अभी हमने देखा यार ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। तो आपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, वो है सोर्स, कहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज को बोरो किया है, ठीक है। Which of the following article of Indian Constitution mentioned that for every state there shall be a legislature? हर एक राज्य में अपनी एक विधानसभा होगी, कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में मेंशन है। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 168 हो जाएगा। आर्टिकल 168 कहता है हर राज्य में अपना एक लेजिस्लेचर होगा, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें आपको विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी देखने को मिलती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब दो हाउसेस देखने को मिलते हैं, अदरवाइज सब में आपको विधानसभा ही देखने को मिलेगी। Which of the following is described as the soul of the constitution? आत्मा किसे कहा गया है संविधान की? तो प्रीएम्बल को, जो हमारी प्रस्तावना है, इसे soul of constitution कहा गया है। ये किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गवा ने प्रीएम्बल को soul of the constitution कहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं N.A. पहलीवाला, तो इन्होंने बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, किसे? प्रीएम्बल को। Which of the following country has the lengthiest written constitution?
तो इंडिया इज द राइट आंसर. इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटी थी? तो 10 थी, बाद में 11 हो गई. ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने बार बार इसको रिपीट किया है. नेक्स्ट, आर्टिकल ब्लैंक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन द मैटर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. हर एक व्यक्ति को रोजगार के समान अवसर दिए जाएं, ये बात कहां पर मेंशन है? तो अगेन, ये समानता के अधिकार की बात हुई है, तो 14 से 18 के बीच में होगा. पर इंटरेस्टिंग ये है कि सारे आर्टिकल 14 से 18 के बीच में ही है, तो इसलिए हर एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 16, 16 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, रोजगार के समान अवसर दिए जाने चाहिए. हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जब संविधान की संरचना की गई थी उस समय कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल्स थे. फिर समय समय पर संशोधन हुआ, नए नए आर्टिकल जोड़े, तो आज लगभग 450 प्लस आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, 470 के आसपास आर्टिकल अभी मेंशन है. द पुंची कमीशन 2010 इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पे 2007 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम है पुंची कमीशन, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 2010 में सबमिट किया था. इस कमीशन का रिलेशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन से मिल जाएगा. तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है. तो कमीशन से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो कमीशन होते हैं. द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज लेट डाउन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर जो विधानसभा के मेंबर हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आर्टिकल आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो यहां पर देखो, आर्टिकल 14 तो हो नहीं सकता, फंडामेंटल राइट का पार्ट हो गया. आर्टिकल 143, 144 ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हो गए. अब आर्टिकल 190 या आर्टिकल 191 में से ही कोई एक ऑप्शन होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 191. यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में मेंबर है, मतलब हमारा विधायक है या एमएलए है, उसको अगर वो पागल है, दिवालिया है, ठीक है, या वो कोई और जॉब भी कर रहा है जहां से गवर्नमेंट से उसको पैसा आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसी कुछ कंडीशन में हम उनको हटा सकते हैं. ठीक है, डन. नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. और ये क्वेश्चन सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से रिलेटेड है. लिखा गया है कि सीबीसी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था, और ये जो बॉडी है ये होम मिनिस्टर के अंदर काम करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जो भी सही आंसर होता है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक करना है. ओके, बाय.